तो गाइज़ हम जब अपने पीसी को अपग्रेड करने का सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है रैम्स में। मेरे पास 8 GB रैम ऑलरेडी है तो क्या मैं उससे 4 GB रैम के साथ पेयर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने 2400 MHz वाले रैम के साथ 3200 MHz वाला रैम पेयर कर सकता हूँ? या फिर मैं सेम कैपेसिटी वाले अलग ब्रांड के रैम को यूज़ कर सकता हूँ? तो मेरे पास ये DDR3 रैम पड़ा है तो क्या मैं उसके साथ ये DDR4 रैम यूज़ कर सकता हूँ? आप रैम मिक्सिंग कर सकते हो या नहीं? अगर हाँ तो क्या बेस्ट वे होगा रैम को अपग्रेड करने का? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक क्विक एग्जांपल से जानते हैं कि रैम आखिर में होता क्या है। अगर मुझे पानी पीना है और मैं कुछ इस तरीके से पानी पीऊं तो ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होगा, राइट? बेटर ये होगा कि मैं एक बॉटल में पानी भर के उसे बार बार पीऊं। तो सिमिलरली रैम भी कुछ इसी तरीके से बॉटल की तरह काम करता है। तो अगर प्रोसेसर हार्ड ड्राइव में से डेटा ले तो वो टास्क थोड़ा इनकन्वीनियंट और स्लो हो सकता है, इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का यूज़ किया जाता है ताकि जिस डेटा की ज़रूरत हमें बार बार हो रही है वो हम रैम में रख के उसे क्विकली यूज़ कर सकें। तो चलिए बात करते हैं रैम मिक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले रैम मिक्सिंग में बात करते हैं कि क्या हम DDR3 के रैम को DDR4 के रैम के साथ साथ में पेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 किसी को भी एक दूसरे के साथ मिक्स मैच नहीं कर सकते। तो हर रैम के टाइप के हिसाब से उसके मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं, मतलब DDR2 के लिए अलग मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा, DDR3 के लिए अलग और ऐसे ही। जैसे कि आप देख सकते हो ये DDR3 और 4 का रैम है, उन दोनों का जो नॉच है वो अलग अलग जगह पर है। तो क्या आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले रैम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3200 MHz वाले रैम को 2400 MHz वाले रैम के साथ? इसका आंसर जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि रैम फ्रीक्वेंसी आखिर में होता क्या है। सो सपोज़ आपका 3200 MHz वाला रैम है तो मतलब वो रैम 3200 MHz के स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। यस, आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रैम्स यूज़ कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला रैम है वो भी अंडरक्लॉक होके लोअर फ्रीक्वेंसी वाला रैम जितना स्पीड देगा। तो अगर आपका अभी 2600 MHz वाला रैम है, उसको आपको पेयर कर रहे हो 3600 MHz वाले, तो 3600 MHz वाला रैम अंडरक्लॉक होके 26 MHz क्लॉक वाले पे ही स्पीड पे चलेगा, तो उसका हायर परफॉर्मेंस का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। और इसी के साथ साथ आपको इसमें रैम लेटेंसी का भी एस्पेक्ट आता है। तो अगर मुझे कोई कुछ डिक्टेट कर रहा है और मैं उससे सुन के लिख रहा हूँ तो जो मेरा सुन के लिखने तक का जो टाइम है वो मेरी लेटेंसी होगी। वैसे ही रैम में प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन आने पर जो डेटा एक्सेस करने का टाइम है वो रैम की लेटेंसी होती है। सो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का रैम ले रहे हो तो उनकी लेटेंसी में भी फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी आपका PC क्रैश हो जाए या फिर वो बूट ही ना हो। इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप सेम फ्रिक्वेंसी वाली ही रैम यूज़ करें फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो अब बात करते हैं रैम कैपेसिटी को मिक्स करना। तो अगर आपके पास 8 GB का रैम है तो क्या आप उसको 4 GB ऐड करके 12 GB रैम यूज़ कर सकते हो? तो आप ये चीज़ कर तो सकते हो, बट अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो ड्यूअल चैनल काम नहीं करेगा। तो गाइस ये ड्यूअल चैनल क्या होता है, तो इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ आप कुछ लिख रहे हो अपने एक हाथ से, तो उस चीज़ को लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा उसका आधा टाइम लगेगा 3 Idiots के वायरस को, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखता है। सपोज़ रैम में डेटा जाने का एक दरवाज़ा है तो एक टाइम पे उसमें लिमिटेड ही डेटा जा सकता है। तो अगर मैं उसी रैम में दो दरवाजे बना दूँ तो एक टाइम पे डबल डेटा जा सकता है उस रैम से। उससे ओवरऑल टास्क जल्दी परफॉर्म होगा और रैम ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ होगा। इसलिए अगर आप 16 GB रैम अपने PC में डालना चाहते हो तो 8 GB के दो स्टिक लेना एक बेटर चॉइस होती है, यही चीज़ रिकमेंडेड होता है। तो क्या आप सेम फ्रीक्वेंसी सेम कैपेसिटी वाले अलग अलग ब्रांड के रैम यूज़ कर सकते हो? उसका आंसर है येस, आप कर सकते हो, मोस्टली वो चल जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है लेटेंसी उनकी डिफरेंट होती है तो उसकी वजह से वो PC क्रैश भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स का सेम लेटेंसी वाला रैम ढूंढना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। उससे बेटर होगा कि आप सेम रैम लें, सेम ब्रांड के साथ जाएँ, जिसकी वजह से आपका लेटेंसी है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और रैम बराबर से चलेंगे। सो गाइस मैं ओवरऑल आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपना रैम अपग्रेड करना है, आपके पास एक पुराना रैम पड़ा हुआ है अपने PC में और आपको एक और रैम ऐड करना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप अपने पुराने रैम को सेल कर दो, क्योंकि उसमें आपको लेटेंसी फ्रिक्वेंसी वगैरह मैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पुराने रैम को बेच के आप एक नया रैम का पेयर ले लो, वो आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। किसी को भी प्रॉब्लम है रैम से रिलेटेड, रैम अपग्रेड करने से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग टेक कॉन्टेंट के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।